हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हाजीपुर दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा यह इलाका अपनी सामरिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए इतिहास में खास अहमियत रखता था। आज यह इलाका केले, आम और लीची के लिए खास तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इस इलाके की पहचान एक और वजह से भी है, वो है राम विलास पासवान। हाजीपुर स्टेशन के बाहर लगी यह होर्डिंग बताती है कि राम विलास पासवान इस इलाके के कर्ता धरता हैं। आदर्श गांव की पड़ताल में हम उस गांव में जा रहे हैं जिसे खुद राम विलास पासवान ने गोद लिया है। हाजीपुर में राम विलास पासवान ने अकबरपुर मलाही और अलीपुर नाम के दो गांव को गोद ले रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेक मकसद से 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। मकसद था देश के गांव आदर्श बने। इस योजना ने एक सपना दिखाया, लगा कि अब गांवों की सूरत और तकदीर दोनों बदल जाएगी। ऐसा माना गया कि एक के बाद एक गांव आदर्श हो जाएंगे, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दे तो गोद लिए गांव अपनी ही दशा पर रो रहे हैं। करीब 4 साल बाद रेड नेटवर्क इस योजना की पड़ताल कर रहा है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया है, क्या उनकी सूरत बदली है? क्या उस आदर्श गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है? क्या पीएम मोदी की आदर्श ग्राम योजना ने उस सपने को पूरा किया है जो इस योजना का असल मकसद था? सबसे पहले हम अकबरपुर मलाही पहुंचे। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, गांव अपनी कहानी खुद कहने लगा। सड़क का हाल, नाले का पानी, सब आदर्श गांव की सच्चाई उजागर करने को आतुर दिख रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर मलाही गांव में। अकबरपुर मलाही हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में आता है और इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए यहां के सांसद राम विलास पासवान ने इसे गोद लिया है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि राम विलास पासवान जब से इस गांव को गोद लिए हैं, तब से ये गांव उनके गोद में ही है, आगे नहीं बढ़ा, चल नहीं पाया। हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, ये देखिए, ये यहाँ की स्टेशन जाने की सड़कें हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए। लोग कहते हैं कि इस जगह पे घुटने भर पानी होता है जब बारिश होती है। लोगों को काफ़ी मुश्किल हालात में इस रोड से जाना पड़ता है। 2 साल पहले इस रोड का टेंडर हुआ है, लेकिन आज तक इस पे एक गिट्टी नहीं गिराया गया, पत्थर का एक रोड़ा नहीं लगाया गया, रोलर नहीं चला, बस सब कुछ कागज पे हुआ है। और लोग अच्छी सड़कें के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। अकबरपुर मलाही गांव के लोगों में विकास कार्यों को लेकर खासी नाराजगी दिखी। गांव के ज्यादातर लोगों का कहना है कि राम विलास पासवान ने गांव को गोद जरूर ले लिया, लेकिन उसके बाद वो इस गांव को भूल गए। लोगों का कहना है कि
जो भी काम हुआ है वो आदर्श गांव घोषित किए जाने से पहले हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ गंदगी भी काफी है, कूड़ा बहुत ज्यादा, खाली गंदगी यहाँ पर है, यहां तो बहुत ज्यादा गंदगी का कोई कमी नहीं है, इसलिए हम लोग चंदा करके बहुत सारा कचरा यहाँ से हटवाए। आप बताइए क्या बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, जो कागजी काम जो होता है सिर्फ कागजों पे ही रहता है, भी प्रैक्टिकल होता नहीं है। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने गोद लिया, ये काफी सालों से सुनता आ रहा हूं, लेकिन ये काम आज तक नहीं हो पा रहा है। मैं अगर मैं देखूं कि ये जो अभी रोड जो अभी सड़क अभी जो साफ दिख रही है ना, ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो छठी छठी मैया की जो पूजा करते हम लोग चंदा उसल कर, जो हम नौजवान हर भैया और चाचा लोग हैं उन लोगों के साथ हम मिलकर साफ सफाई करते। जो अभी आपका हाल ये देख रहा है, थोड़ा सा भी बारिश होता है, हल्का सा भी बारिश होगा, ये काफी ज्यादा, इसका नाम कहने के लिए हॉस्पिटल भवानी रोड, लेकिन जब पानी जब होती है तो नाला रोड लोग कहने लग जाते। लेकिन तो यहाँ नाला और रोड के लिए हमने उन बजाबते अपना पैड पर लिख कर दिया था और खुशी हुई थी कि उन्होंने हमारी इस योजना को मंजूर भी किया था, विद्यालय के लिए भी दिया था, विद्यालय भी उन्होंने मंजूर किया था। लेकिन खुशी हमारी तब धीरे धीरे समाप्त होते चली गई जब समय दर समय समय बीतता गया और हम लोगों को लगा कि जो खुशियां उन्होंने दी है वह खुशी हम लोग का अब समाप्त होने वाला है। जब यहाँ पर लोगों को आक्रोश झेलना पड़ा, लोगों को यहाँ पर गंदगी, यहाँ के जो कीचड़, यहाँ पर जो पानी वगैरह जो है रोड पर जब बहना शुरू हो गया, तब हम लोगों ने पुनः आवेदन दिया उनको। हम लोग उनको पसंद नहीं अभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कामें नहीं किए हैं अभी तक। काम करते तब ना आगे उनको काम करेंगे, अभी से ठीक कर देंगे तो देंगे हम लोग पूरा एकदम जनता एकदम उलट के वोट देंगे, एक तरफा दे देंगे, लेकिन काम करेंगे तब ना। हमारी एक ही मांग है, चाहे जो भी हमारी सरकार को चलाए, जो भी हमारा नेता हो, बस एक ही हमारी उम्मीद है उनसे कि हमारे हमारे क्षेत्र का विकास करे, अन्यथा जो भी हमारा नेता विकास नहीं करेंगे उनको हम लोग समर्थन किसी भी हाल में नहीं करने जा रहे हैं। चाहे वोट लेने से कुछ नहीं होगा, राम बिलास जी समाज के लिए कुछ करते, आम लोगों के लिए कुछ करते, तब ना जनता उनका आवाज उठाता कि राम बिलास जी हमारा ऐसा किया वैसा किया। जब बरसात होती है तो रोड टूट जाता है, कचरा का व्यवस्था नहीं है, आदर्श ग्राम घोषित करने केंद्र सरकार घोषित किया, आदर्श ग्राम कुछ नहीं, अस्पताल होना चाहिए पहला, बालिका विद्यालय होना चाहिए, कॉन्सेंट कॉलेज इंटर डिग्री होना चाहिए। आज जितना ये बताइए कि आप जितनी चीज बता रहे हैं वो सब आपके गांव में है या नहीं? है, लेकिन मूलभूत है, डॉक्टर नहीं बैठता है, अस्पताल किस काम के, कंपाउंडर नहीं है, दवा नहीं है, इंडा में लोग कचरा बिकता है, उसको पहले आवश्यकता साफ होना चाहिए, ये तो उनको ये पहले काम करना चाहिए। कचरा के बारे में कि आदर्श ग्राम है तो साफ सुथरा होना चाहिए ना, तो सामने आप देख रहे हैं कचरा है, इसका व्यवस्था से तो डस्टबिन होना चाहिए, व्यवस्था साफ सुथरा होना चाहिए, नाली पक्काकरण होना चाहिए, हमारे स्कूल में डॉक्टर नहीं बैठते हैं हॉस्पिटल में, वो होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है, केंद्र का मतलब होता है कि जाइए डॉक्टर तो बैठता रही है, कागज पर स्वास्थ्य केंद्र का है पर काम कुछ नहीं होता है, केवल पल्स पोलियो वाला आती है वो भी कहती है क्या, अरे यहाँ क्या काम मच्छर की, कभी छिड़काव वाले तक नहीं आते हैं कि जहाँ मच्छर ज्यादा कभी कुछ छिड़काव हो जिससे कि मच्छर कम हो, शाम को देखेगा बैठने नहीं देता है मच्छर सब, ये हालात है इतनी गंदगी के कारण, जान रहे की डेंगू का प्रकोप किस तरह से बढ़ रहा है। सर्दी खांसी की दवाई लेने के लिए जाइएगा वो भी यहाँ नहीं मिलता है हॉस्पिटल में, कहेगा कि फल बीफे के डॉक्टर बैठेगा, शनिवार को डॉक्टर बैठेगा, जाइएगा तो डॉक्टर ही ना पता है, नहीं रहता दवा, ज्यादा लेने के लिए गरीब आदमी तो कोई दिव नहीं करता, ब्लैक कर देता, मिल नहीं करता, बस क्या ब्लैक कर देता, दवाई लाने देता ज्यादा तक लिख के दे देता है, आ जाइए प्राइवेट से लीजिए। आदर्श गाँव तो हमारा गाँव अभी नहीं बन पाया है, इसमें अभी बहुत सी कमी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव से पहले जो कुछ भी कमी है वो हमारे माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी के द्वारा इसे पूर्ण किया जाएगा। एक दोस्त जैसे हॉस्पिटल की एक चर्चा के विषय थी तो हॉस्पिटल का शिलान्यास हो चुका है लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्य संभव नहीं है, और रही बात रोड वगैरह की तो रोड के लिए एक स्टेशन रोड का जो रोड है उसके लिए उन्होंने अति माननीय DDC से और ये सांसद प्रतिनिधि के द्वारा उस पर भी कार्य चल रहा है और आशा है कि एक महीना के अंदर में वो रोड भी बन जाएगा। वही हम लोग तो जितना दिन से देख रहे हैं वो उसी तरह है, ये आदर्श बन गया है मगर आदर्श का कोई काम नहीं हुआ, आदर्श नगर बनाया गया मगर आदर्श नगर नहीं बना, वो जैसा है उसी तरह। एक चीज बताइए, गांव को गोद लिया गया उसके बाद इस गांव में क्या क्या बनाया गया?
कुछ नहीं, हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं बना है, सड़क वही देख रहे हैं, परिवर्तन तो यहाँ पे हुआ नहीं कुछ। नाव देंगे इस रोड में, नाव देंगे वहाँ सीढ़ी घाट सीढ़ी पुल बनना था, कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग पासवान जी को वोट नहीं देने वाले। अकबरपुर मलाही गांव की ये तस्वीर देश के दूसरे आम गांवों जैसी ही है, लेकिन आदर्श ग्राम के सपने ने यहां के लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी थी। आम लोग मायूस हैं और गुस्सा उनकी बातों से झलकता है। और ये दलित बस्ती है, महादलित बस्ती है, यहाँ पासवान और रविदास समुदाय के लोग रहते हैं। आपको हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए कि यहाँ से वहाँ तक जो नज़ारा है, पूरे दलित समुदाय के घर दिखाई पड़ते हैं, सड़क के किनारे सैकड़ों की संख्या में घर बने हुए हैं, कच्चे घर हैं, ये सब मिट्टी के घर हैं, या तो कच्चे घर हैं या फिर टाट के बने हुए घर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनकी बदहाली की कहानी इनके घर कहते हैं, ये किस तरह से जीवन यापन करते हैं। आप लोग को क्या इतने सालों में कभी इंदिरा आवास से घर नहीं मिला? इंदिरा आवास से घर कुछ कुछ लोग मिले हैं, कुछ कुछ लोग पूरे बेकार हैं। आपके सांसद रामविलास पासवान जी खुद दलित हैं। वो आए थे रामविलास पासवान जी आए थे यहाँ मंच पे, वो बोले जो सब दलितों का हम पूरा करेंगे। आज तक तो उनको नजारा नहीं मिल रहा, घर है वहाँ तनखा जगह है तो मैं ना अटाई हुए तो सबको टिप फारंग में अगोर ले लिए, तनखा सानी है तब फारंग में हती अगोर ले। छोटा सा जगह रहने का भी बच्चा लोग का जगह नहीं है, रहने का बच्चा लोग का जगह नहीं है, अब क्या करेगा। हम दिखाते हैं आपको कि एक दलित समुदाय, महादलित समुदाय कैसे अपने यहाँ जीवन यापन करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी बदहाल होती है, ये हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। हम आपको ले चलते हैं एक घर में, जहाँ हम दिखाते हैं कि किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये इनका जो किचन है, रसोई घर है, देखिए किस तरह से, मतलब दो हम लोग मरेंगे जिंदगी भर, हम मानते हैं आप लोग का, बोलते हैं जो ये है वो है, क्या है, कुछ नहीं है, खाली नाम होता है जो मेरा है, सब चीज है, क्या है, कुछ है, सिर्फ नाम होता है, सिर्फ जाति के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जाति के लोगों का दर्द, जाति के लोगों की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं पड़ती है। ये है एक दलित समुदाय के किचन का हाल। यहाँ से ये देखिए, ये जलावन है, पूरा जलावन है, ये जलावन है, इसी को जलाकर एक दलित समुदाय जो है इन चूल्हों में लकड़ी के, ये लकड़ी भी नहीं कहेंगे, ये पुआल है उसमें चूल्हे में, और ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। ये है एक घर जिसमें हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा चारपाई लगा हुआ है, और ये आंधी तूफान और तमाम मुश्किलों का, मौसम का मार इसी में वो झेलते हैं। ये देखिए, ना तो इनके घर में कुछ ऐसे सामान, मुझे कहीं अनाज के भंडार भी नहीं दिख रहे, और हम यहाँ देख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं किस तरह ये जमीन पर ही, खुले में जमीन पर सोकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। आप ये बताइए, ये जो चापा कल आपने लगवाया है, खुद ही लगवाया है या सरकारी है? ना अपने से लगवाई लिया, किन के अपना से लगाई लिया। कितने कितने पैसे लगे? ये बहुत दिन के हो गए, पहले में गराई ली, कर्जा लेकर गराए हैं कल। अच्छा, हाँ, सरकार की ओर से पानी कुछ नहीं, अपना से गराई। बिहार की सियासत की यह तस्वीर किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ किस आधार पर मतदान होता है। इस शख्स की बात सुनकर
आपको हालात और उसके पीछे की वजह का अंदाजा लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम लोग तो जात के नाते से उनको वोट देते हैं, हम लोगों को कोई प्रतिदिन ही आज तक के कभी देखे नहीं। ये लौट करके जीत जाने के बाद फिर लौट करके कभी आते हैं नहीं देखने के लिए। सभी नेता के काम है। तो फिर आप वोट क्यों करते हैं? वोट तो हम लोग करते हैं कि जात के नाते, ये मेरे कम से कम एगो ऊंचा पद पर है रामविलास पासवान, इसलिए हम लोग वोट करते हैं। नहीं, जब ऊंचा पद पे रामविलास पासवान है तो आपको क्या फायदे मिलते हैं उससे? फायदा तो हम लोगों को कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। हम लोग आज तक के इतना दिन 50 वर्ष का उम्र हो गया, लेकिन आज तक के कुछ नहीं किए। अभी जब फिर वोटिंग का समय आएगा तो क्या फिर उन्हीं को वोट करेंगे? समय वक्त बदलाएगा। अकबरपुर मलाही गांव के ज्यादातर लोगों की शिकायत स्वास्थ्य केंद्र को लेकर थी, लिहाजा हमारे कदम भी गांव के स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ चले। यहां जो हाल हमने देखा वो किसी आदर्श ग्राम की छवि से मेल नहीं खाता। और ये है अकबरपुर मलाही आदर्श गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप देख सकते हैं यहां पे बस ये फॉर्मेलिटी के लिए ये टेबल लगा दिए गए हैं, और ये इस तरह का इसका जो ढांचा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो आपको मैं दिखाता हूँ पूरा। कहीं कुछ भी नहीं है, एक चीज भी नहीं है, एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या दवा है? इसमें ये पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये पल्स पोलियो के लिए इसमें दवा रखी हुई है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए। और एक चीज ये बताएं कि यहाँ क्या दवा के नाम पे कुछ भी नहीं है और डॉक्टर के नाम पे कुछ भी नहीं है? नहीं, डॉक्टर दवा भी वितरण होती है। तो दवा है कहाँ? वितरण कहाँ से होती है? कहाँ दवा? हाँ हाँ, तो दवा तो डॉक्टर साहब जब बैठेंगे तब तो दवा वितरण होगी ना। नहीं, दवा तो होनी चाहिए ना हॉस्पिटल में। कहाँ है दवा? कहाँ है दवा? जैसे अभी पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा बस बस वही रखिए, वही रखिए। ये है आप वही खिड़की खोल लीजिए, वो खिड़की खोल अंदर में दवा नहीं रखेंगे। और ये है स्टोर रूम, आप देख सकते हैं इस तरह है, यहाँ दवा रखा हुआ, कुछ कार्टून्स में दवे हैं, दवा रखा गया है। और बस दवा यही है, दवा जो है। आप उधर बाहर जाइए ना, बाहर जाइए ना सर जी, यहाँ कुछ टैबलेट्स हैं इसमें। और ये किस चीज की दवा है? कौन सी? मोटनोर। हाँ, वो जे क्या है ये? छोटा बच्चा के लैट्रिन के लिए, लैट्रिन के लिए है, लैट्रिन की दवा है, जो सब एक ही फाइल रखे हुए हैं। और ये आई ड्रॉप्स हैं, और ये मतलब कुछ मतलब बहुत मामूली दवा है, और बस इतना ही सा दवा है। और एक 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 कार्टून में ये दवा है बस। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप देख सकते हैं किस तरह से दवा रखा हुआ हुआ है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात हम आपको बताएं कि ये है जो रामविलास पासवान, जो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े कद के नेता हैं, उनके क्षेत्र का, उनके आदर्श गांव का स्वास्थ्य केंद्र है जहां का ये बदहाल हाल है। इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी इस गांव को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हुई। स्वास्थ्य केंद्र के बाद हम गांव के स्कूल पहुंचे, यहां का हाल चौंकाने वाला था। स्कूल की जर्जर इमारत मानो किसी हादसे को न्योता दे रही हो। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में
पढ़ने आने वाले मासूम किस कदर जोखिम लेकर शिक्षा पा रहे हैं। हालांकि गांव में लाइट होने से कुछ लोग संतुष्ट तो दिखे, लेकिन स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। गांव के इस हाल पर हमने गांव के प्रधान से इसकी वजह जानने की कोशिश की। रामविलास पासवान जी ने इसे गोद लिया है कि हम इसे आदर्श गांव बनाएंगे। दूसरे गांव से हर चीज, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, सब मामले में ये गांव आदर्श होगा। तो क्या ये गांव हर मामले में पूर्ण हो चुका है, आदर्श बना है? नहीं, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इस गांव में पार्टिकुलर उन्होंने क्या किया है, मतलब गोद लेने के बाद से? गोद लेने के बाद से अभी तक मात्र दो को काम हमको दिखाई दिया है, एक स्कूल बना है और एक रोड बना है, एकमात्र रोड बना है। एकमात्र स्कूल बना है, एक तीन स्कूल बिल्डिंग बना और एक स्कूल रोड बना है बस। ये जो स्कूल बनाया गया है, सांसद आदर्श ग्राम में कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं, आप जब वही जानेंगे, हमारे मंत्री जी जानेंगे कि क्यों नहीं हुआ। स्टेशन रोड के नपैया हो गया, दो साल हो गया अभी, अढ़ाई साल। जिस समय सांसद आदर्श ग्राम हुआ था उसी समय नापी हुआ था 1 करोड़ कितना का टेंडर। वह लोग मतलब कहते रह गए, लोग मिला भी जाके दिल्ली में, लेकिन अभी तक उखाड़। अपनी इस पड़ताल में हमने गांव के महादलित टोले का हाल भी जानना चाहा। यहां की तस्वीर और भी बदतर थी। इस गांव की आबादी में यादव और पासवान समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि खुद सांसद रामविलास पासवान के समाज के लोगों को विकास का फायदा कितना मिला। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये बिलकुंडा भोजपट्टी गांव है, ये दलित का गांव है, ये पासवान समुदाय का गांव है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक दलित की ज़िंदगी, एक पासवान समुदाय की ज़िंदगी किस तरह की होती है, जो आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं। आप देखिए, ये जो पूरा इनका घर है, पूरा का पूरा घर मड़ई का है, टाटी का बना हुआ है और ये अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर करते हैं। हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि ये रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र है। अकबरपुर मलाही गांव के महादलित टोले का हाल ऐसा है कि यहाँ पीने के पानी तक का इंतजाम बामुश्किल हो पाता है। बात इंदिरा आवास योजना की हो या फिर शौचालय घर की, इन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलना दूर की कौड़ी हो गया है। परेशानियों का आलम यह है कि महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप इस महिला की बातों से यहाँ के लोगों के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बताइए कि आप कब से इस तरह के घर में रह रहे हैं और कितना मुश्किल भरा जीवन होता है इस तरह के घरों में रहना। घुटन जैसा तो सब लोग का है, जो हम कब लोग इस दलदल से निकले, लेकिन निकलने के लिए उसको तो आमदनी चाहिए ना। हमको माँ बाप इसी में गुजर गया, दादा दादी इसी में गुजर गया, अब हम लोग का जिंदगी इसी में गुजर रहा है, हमको बेटा बेटी की जिंदगी इसी में गुजर रहा है। उतना आगे में विकास करने के लिए आमदनी चाहिए, आमदनी के सिवा उसको संस्कार चाहिए, कोई बच्चे के अपना पढ़ाए लिखाए, लेकिन यहाँ गरीब को होता नहीं है। वो भी लोग जो नेता है वो भी जानता है कि एक पासवान समुदाय है, जो दलित समुदाय है, पिछड़ा समुदाय है, उनको बहुत सारी सुविधाएं की ज़रूरत है। बावजूद इसके वो कभी आपके क्षेत्र में आए हैं कभी कुछ बताने के लिए? कभी नहीं, वो लोग आए थे एक साल करीब 18-19 साल पहले आए थे, तो बसंत भैया जी रोक के तो सब लोग गए निकल के, तो वहाँ बसंत भैया के दरवाजे पर प्रणाम पाती हुआ और वहाँ से सब लोग
जय जयकार करके और भैया जी रोके आ कहें जे ठीक है से हम लोग घर बना देंगे मंदिर बना देंगे। 18-19 साल हो गया बीत गया लेकिन अभी तक उनका कोई खोज पता नहीं है रामविलास पासवान का। इस पंचायत में 1200 पासवान समुदाय के लोग रहते हैं और सबों की जिंदगी कमोबश ऐसी ही है, सब लोग ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। ना तो इन्हें जल नल योजना का लाभ मिला है, ना उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिले हैं और ना ही इनकी जिंदगी जो कहते हैं मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने दावा किया कि हम बिहार में 5 करोड़ शौचालय बना दिए, लेकिन यहाँ किसी भी घर में शौचालय तक नहीं है। यही वजह है कि खुद पासवान समाज में राम विलास पासवान को लेकर गहरी नाराजगी है। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि राम विलास पासवान को वोट देना उनकी मजबूरी है, लेकिन कुछ लोग उन्हें इस बार वोट नहीं देने की बात भी करते हैं। उन्होंने हाजीपुर के लिए सिर्फ हाजीपुर में किए हैं और अलग कहूँ काम कोई विकास नहीं किए हैं, क्योंकि अगर वो विकास किए हैं तो अपना परिवार के किए हैं, अपने घर के किए हैं। हमारा पसमान का कोई विकास नहीं हुआ है, वो हाजीपुर की पसमान हो या हमारा पूरा क्षेत्र की पसमान हो, उनका विकास नहीं हुआ है। और वो जनरल लोग के विकास किए हैं जो उनको करीब गया है, उनसे पूछता है, उनको अगर पैर धर के प्रणाम करता है, उनको भाई क्या, उनका विकास किया। पासवान जी ने कुछ गांवों को गोद ली थी, अभी उस गांव की वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से लगातार 11 बार सांसद रहे और आदर्श गांव का कंसेप्ट मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री को रामविलास पासवान ने ही दिया। उनके कहने पे चाहे जैसे भी हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने 15 अगस्त को ये घोषणा करते हैं कि आदर्श गांव बनाने के लिए गांवों को, हर एक सांसद को गांवों को गोद लेना पड़ेगा। लेकिन उन गांवों की आज वस्तु स्थिति यह है कि न क्वेटो बन पाया, न जापान बन पाया। और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2 गांव को गोद लिया, एक अकबरपुर मलाही जो हाजीपुर में आता है और दूसरा महनार में अलीपुर गांव। इन दोनों गांवों में एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया रामविलास पासवान जी ने। और सच्चाई तो यह है कि सांसदों ने गांव को गोद नहीं लिया, गांव ने ही सांसदों को गोद ले लिया है। अब ये तो उनके अंदर में है कि आखिर पासवान के क्यों नहीं करते हैं, या लिखते होंगे कि पासवान हमारी सब दिन से बरकरार है, जो कम से कम पासवान के नाम पर ही वोट कर देगा। हो सकता है कि ये अगर करे न करे पासवान मेरा लिखा गया है, हो सकता है इनके मन में हो, इसके वजह से पासवान को वो साफ ही इग्नोर करके चल रहे हैं। और इसके वजह है कि पासवान बहुत ही पिछड़ गया है। हाँ, तो चूँकि पासवान कम्युनिटी को मजबूरी भी है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में, यहाँ टोटल लगभग हम लोग हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में पासवान का कम से कम 3 लाख वोटर है, तो हम लोग की मजबूरी भी है। चूंकि जात के नाते हो चाहे जो नाते हो, हम लोग दूसरे जगह जाते हैं तो काउंटिंग नहीं हो पाता, हम लोग मजबूरी में हम लोग को देना पड़ता है। अब मजबूरी से वे हमसे फायदा उठा रहे हैं। जिस दौरान हम अकबरपुर मलाही गांव के लोगों से उनका दर्द जान रहे थे, ठीक उसी वक्त पास खड़े एक शख्स ने भी अपने गांव मजलिसपुर का दर्द बताया, जो अकबरपुर मलाही गांव के बगल में था। उसने हमसे गुजारिश की कि हम उसके साथ उनके गांव चलकर उनके दर्द को महसूस करें और दुनिया को बताएं कि वो कैसे हालात में जी रहे हैं। हमने भी उस गांव तक जाने का फैसला किया। हम चल रहे हैं दलितों के यहाँ, बताएं दलितों में जो पासवान समुदाय है उसका गांव मजलिसपुर, और यहाँ के जो पासवान समुदाय के लोग हैं उनका कहना है
कि उनके गांव में कच्ची सड़क तक भी नहीं गई है, क्योंकि जो दबंग लोग हैं इन्हें गांव से निकलने में का रास्ता नहीं देते हैं, और इसकी वजह से इन्हें उनसे लड़ाई चल रहा है, इनके ऊपर केस भी मुकदमा भी दायर किया गया है। तो हम चलते हैं मजलिसपुर और जानते हैं यहाँ के जो पासवान समुदाय है उनकी क्या समस्या है, जबकि इन छोटी समस्याओं को यहाँ के जो सांसद हैं रामविलास पासवान वो निपटा सकते थे, खत्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना है कि जीत के जाने के बाद पासवान जी सिर्फ एक बार इस क्षेत्र में आए, उसके बाद कभी लौट कर वापस नहीं आए। मजलिसपुर गांव पहुंचकर हमने पाया कि यहां भी मुश्किलें कम नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर किसी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना होता है तो खाट पर ले जाना पड़ता है, और शादी के बाद आने वाली बहू को भी गांव से बाहर ही गाड़ी से उतरकर पैदल घर आना पड़ता है। हम मजलिसपुर गांव में हैं और यहां के लोगों का कहना है कि तमाम वादे के बावजूद भी इनके एक भी सपने पूरे नहीं किए गए, खास कर पक्की सड़क पर चलने के इनके सपने आज तक अधूरे हैं। ये बताइए कि आपके गांव में सड़क बनाने के लिए कभी कहा गया था? हाँ जी, कहा तो गया, कितने कितना बहुत बार कहा गया सड़क बनाने के लिए, कितने में कहा, बहुत चुके। हाँ, बाकी कभी नहीं कोई हुआ है। कितना कागज भी बन कर गया, कागज नहीं है। हाँ, कितना कागज भी बन कर गया फिर नहीं बनता है। आपके आप लोग के गांव में एक चीज और बताइए कि जो शौचालय है और जल नल योजना है उसका फायदा किसी को मिला? नहीं जी, नहीं मिला है, नहीं मिला है। शौचालय नहीं बनाया यहाँ पे गांव में, शौचालय तो नहीं बनाया अभी, किसी का बना होगा, किसी का अपना बनाया है, सब अपना पैसा सब बना है, अपना पैसा सब बना है शौचालय, पैसा किसी का नहीं निकला, किसी को लेकिन पैसा पास नहीं हुआ है, हाल में बिना भाई लोग के किसी के पैसा पास नहीं हुआ है। जैसे हमारे टोला में तो अभी तक तो कुछ नहीं करवाया है, वो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 600-700 आबादी का मतलब जनसंख्या का गांव टोला है, अभी तक आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी है। कोई बीमारी अगर पड़ जाए उसको ले जाने के लिए साधन नहीं है। पासवान जी आपके जाति के हैं, आपके समुदाय के हैं, आप लोग के लिए कहा है कुछ नहीं करते हैं, क्या वजह है इसकी? बोले जो हम अलीपुर पंचायत को गोद ले लिए, हम जो है रास्ता जो है पास कर दिए, अभी तक रास्ता पास नहीं। कोई भी चीज होता है ना पर्सेंट के, बीमार उमार पड़ता है ना तो उसको खटिया पर लाद के ले जाता है डॉक्टर कने। हाँ, वो ऐसा फिर साधन नहीं है इस गांव में, कोई चीज का साधन नहीं है। शौचालय बनाए रहे आप लोग? नहीं, हम अपना पैसा से बनाए हैं। आपके घर में शौचालय बना कि नहीं बना? हम लोग बनाए हुए हैं, बाकी और सब के कोई के नहीं है यहाँ पर, लैट्रिन उट्रिन शौचालय उचालय कुछ नहीं, रोड भी नहीं है। आए जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक इधर से कोई एगो वोट नहीं मिलेगा, हमको रोड चाहिए, आप लोग वोट दीजिए। मजलिसपुर गांव के बाद हम अलीपुर गांव पहुंचे, इस गांव का हाल भी अकबरपुर मलाही और मजलिसपुर से अलग नहीं था, यहाँ भी लोग उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ बारिश के दिनों में तो बाढ़ का पानी मुसीबत लेकर गांव तक आ जाता है। क्या आपका गांव आदर्श बन गया? नहीं सर, पहले से ही और मेरे गांव का स्थिति बद से बदतर हो गया है, इसे अच्छा तो मेरा गांव पहले था। रामविलास पासवान जी जब से यहाँ से जीते या मेरा गांव को आदर्श पंचायत में गोद लिए तब से कुछ नहीं हुआ है। चुनावी घोषणा था, घोषणा किए चले गए, वो हम लोग से वादे किए थे कि आप लोग को हम ट्रांसफार्मर देंगे, 10 ट्रांसफार्मर का वादा किए थे जो पूरे गांव में रहेगा। स्कूल पे चबूतरा है उसका शेड की बात किए थे, स्कूल का स्थिति दयनीय है, टीचर लोग भी लगभग 10:30-11 आता है, 3 ही चले जाते हैं, कहीं से गाँव के भी बहुत लोग ऑब्जेक्शन किए लेकिन कहीं से कोई तरह का सुधार नहीं है। एक चीज बताएं, हम देख रहे हैं कि यहाँ के स्कूल बहुत ही बदहाल स्थिति में है, आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी नहीं की? कोई सुनता नहीं है सर, यहाँ से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से जिला तक कोई नहीं सुनता है, सभी के यहाँ से खिचड़ी का कमीशन पहुँचता है, बच्चा 200
220 आता है, यहाँ पे रजिस्टर चार्ज होता है 400, 450, 500, उसका जो कमीशन होता है नीचे से ऊपर तक बटता है। यहाँ की जनता रामविलास पासवान जी को 10 में से 0 दे रही है, 0 दे रही है, कह रही है साफ तौर पर कि वे इसी लायक हैं। अगर कोई एक और दो बोल रहा है तो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, वो एक या दो नंबर भी डिजर्व नहीं करते हैं। इन आदर्श गांव की तस्वीर सामने है। सवाल ये भी उठता है कि अगर इन गांव को गोद ना भी लिया जाता तो भी क्या इसे विकास की दरकार नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक आदर्श ग्राम योजना काफी सफल रही है। नवंबर 2017 को केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 19,732 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और 7,204 पर काम चल रहा है। लेकिन इन गांव की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। मसला सिर्फ सांसदों या प्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदारी का नहीं है, दूसरे तमाम कारण भी हैं जिन वजहों से ये महत्वाकांक्षी योजना सफल नहीं कही जा सकती। उसमें से एक बड़ी वजह है कि इस योजना के लिए कोई नया फंड निर्धारित नहीं हुआ। इन्हीं वजहों से शायद ऐसे तमाम गांव विकास के इंतजार में बैठे हैं। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, हाजीपुर। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।